जी जाहिर सी बात है, और जैसा मुझे सिंगापुर से फैन आए थे उन्होंने भी कहा कि रोहित शर्मा की वजह से ही कब जाना था, और रोहित शर्मा से ही शायद कुछ ऐसी गलतियां होंगी। क्या हम बैटिंग के वक्त ही मैच हार गए थे? आई थिंक विराट कोहली के आउट होने जाने के बाद जिस साझेदारी का हमें इंतजार था, जो साझेदारी जरूरी थी, केएल राहुल ने जरूर कोशिश की, लेकिन कम मुझे लगता है कि जो एक हमने तय किया था कि एक 300 का टारगेट पार करेंगे या क्लोज जाएंगे, वो नहीं हो पाया। और हमेशा जो साझेदारियाँ होती है, जो हमने लबुशेन और ट्रेविस हेड के बीच में देखी, इस प्रकार की एक कोशिश होनी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन देखिए, एक किसी खिलाड़ी को पॉइंट आउट करने से फ़ायदा नहीं होता, ये टीम गेम होता है। रोहित शर्मा ने ज़रूर एक खराब शॉट मारा, लेकिन जो अभी जो अमृत ने बताया, हम भावना को समझते हैं कि किसी को भी हार पसंद नहीं होती है, लेकिन इस हार से सीखना चाहिए। हमें एक तो पहले स्वीकार करना चाहिए कि बड़े मैच में, जब बड़ा मैच, फाइनल मैच हो या सेमीफाइनल मैच हो, पिछले कई सालों से हम ये जीत नहीं पा रहे, इसका कारण क्या है, ये जो पोस्टमार्टम होता है, ये होना बहुत ज़रूरी है। रोना धोना तो चलता रहेगा आज के दिन, लेकिन कल उठ के वापस आपको मैदान में कदम रखना है, और उसके लिए बहुत सोच की ज़रूरत है। जी हाँ, ये मैच हारे, जो आपकी नज़र में कौन सा वो पॉइंट था, या किस क्या वो जो फैसला था कि टॉस जीते या हारे हम बैटिंग ही लेंगे, वो फैसला गलत था, जबकि इस मैदान का रिकॉर्ड बता रहा था कि सेकंड बैटिंग करते वक्त आसानी होती है? आई थिंक रोहित शर्मा का जो डिसमिसल था वो टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज दो बाउंड्री उसने लगा दी थी वो ओवर में मैक्सवेल के खिलाफ, एंड वो उसको थोड़ा सा सिंगल मे बी डॉट बॉल एंड देन बाद में अच्छे मोमेंटम था, उसके बाद फिर वो कलेप्स हो गया। एंड आई थिंक जब हम बात करते हैं ना टेम्परमेंट की, एक ऑस्ट्रेलिया में देखो, हेडन जब 2003 में वर्ल्ड कप जीता, फिर गिलक्रिस्ट ने जीता, फिर डेविड माइकल क्लार्क आए उसने जीते, अभी ट्रेविस हेड जीते हैं। इंडिया में ऐसे कल्चर नहीं है जो ईच अदर टीम को जाता है, बहुत इंडिविजुअल अभी है, एक खिलाड़ी इतना इस टीम पर इस टीम में तो ऐसा नहीं दिख रहा था, 10 मैचेस में तो ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि अगर गिल नहीं चल रहे तो शर्मा चल रहे हैं, शर्मा नहीं चल रहे तो रोहित विराट कोहली चल रहे हैं। मीडिया टेंशन बहुत थी विराट कोहली के ऊपर, उसकी सेंचुरी से ऊपर, वो ऐसे मीडिया का ऐसे हाइप था, जब वो सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड ब्रोक कर देंगे वो ऐसे लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप ही वो जीत लिया। टू मच हाइप, उधर से ज्यादा टेंशन थी, एंड कम वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे। एंड आई थिंक कोई अभी ये नहीं बात कर रहा है दैट जो इंडिया की टीम है ना, सेमीफाइनल फाइनल में आती है ना, टेम्परमेंट ये टीम इंडिया की टीम में नहीं है, काफी चेयर हो गया, 10 साल हो गए इंडिया की टीम बड़ी गेमों में टेम्परमेंट नहीं है, एंड क्यों नहीं है ये हमको नहीं अभी मालूम। ये जो मॉन्टी कह रहे हैं कि इस बात पे ज्यादा कि चलिए उसके सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, या शमी की कितनी अच्छी वापसी हो गई, शमी ने 7 विकेट ले लिए, लेकिन फाइनल कैसे जीतना है, सेमीफाइनल कैसे जीतना है, फाइनल कैसे जीतना है, नॉकआउट कैसे जीतना है, उस पर से क्या ध्यान हट जाता है इन सब चीजों की वजह से? मुझे नहीं लगता कि ध्यान हट जाता है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी या कोई भी टीम या कोई भी कप्तान ये नहीं सोच के कदम रखता कि मुझे मैच हारना है, सबके जहन में यही होता है कि किस तरह से मैच जीती जाए, उसके बाकी चीजों पे इतना सराउंड साउंड इतना हो जाता है। जी देखिए, उसका प्रेशर, इसीलिए मैंने कहा था कि नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टीम वो नर्व संभालेगी, जो काबू में रखेगी, उसकी जीत होगी, और हमने देखा कि किस तरह से इनिंग को पेस किया, चाहे आप गेंदबाजी की बात करो, किस तरह से गेंदबाजी की, किस तरह की फील्डिंग, किस तरह की फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया की रही, और किस तरह से फिनिश किया, 3 विकेट जाने के खोने के बावजूद भी जो साझेदारी रही, और जो साझेदारी को जिस तरह से पेस किया, वो बहुत जरूरी था, और वो करने में इंडियन टीम नाकाम रही। या श्रेया के साथ भी कुछ मायूस फैंस हैं, दिख रहे हैं हमें, श्रेया आवाज मिल रही है आपको मेरी? श्रेया तक शायद सिग्नल नहीं आ पा रहा श्रेया का हमारे पास, वहां पर एक के बाद एक जो जश्न की तैयारियां थी वो सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई, तो जाहिर सी बात है फैंस भी मायूस हैं, और जो खबर आ रही है जैसा अमृत ने भी बताया कि ड्रेसिंग रूम में भी बहुत ही रंगीन माहौल है, क्योंकि रोहित शर्मा के लिए शायद इसके बाद एक और वर्ल्ड कप होना मुश्किल होगा। नहीं, ऐसे काफ़ी प्लेयर होंगे, रविचंद्रन अश्विन भी है, मोहम्मद शमी भी है, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रयास किया, शमी को इधर दोष देना ठीक नहीं रहेगा, अच्छा वर्ल्ड कप रहा भारत के लिए,
फाइनल हारा इसका मतलब नहीं कि सारा कुछ बंद हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। कल से फिर उन्हें उनको नई एक शुरुआत करनी पड़ेगी, जैसे कि हर मैच में शुरुआत करनी पड़ती है। यहाँ कुछ और रिएक्शन आ रहे हैं फैंस के, वो सुनते हैं। फील्डिंग बहुत अच्छा हो सकता था इससे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया, उन्होंने बहुत रन रोका, तो उम्मीद ये था कि फील्डिंग और अच्छा होगा। शामी को देखा नहीं, शायद कोई प्रॉब्लम है, बाद में ज़्यादा देखा नहीं, तो कोशिश किया, अभी क्या किया जा सकता है। इस बार नहीं था हमारे किस्मत में, शायद अगली बार मिलेगा। मोहम्मद अहसान अली, ठीक ही चला, हार चुकी नहीं बोल सकते, यही टीम है जो लगातार 10 मैच जिताया है वर्ल्ड कप में। अब होता है कभी कदाल, लक साथ नहीं देता है, पिच पे साथ नहीं होता है, फिर भी अच्छा खेली, अब क्या बोल सकते हैं इसमें, हार तो एक्चुअली नहीं है। अमृत भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमृत, फैंस ज्यादातर ये बोलते हुए यही जो टीम थी जिसने 10 मैच जिताए थे, एक मैच खराब हो गया, लेकिन यही इसी टीम ने 10 मैच जिताए भी थे। लेकिन मोंटी की बात यह कि वो 10 मैच जीते, वो इतना हाइप बन जाता है, इतना विराट कोहली के परफॉर्मेंस पे, शमी की वापसी पे, और किस तरह से इंडियन पेस अटैक जो है वो बेस्ट पेस अटैक हो चुका है, और किस तरह से स्पिनर्स भी चल रहे हैं, किस तरह से ये प्रॉब्लम है कि रविचंद्रन अश्विन को खिलाना है तो किसको हटाएंगे, वो सब इतना इतना ज़्यादा सराउंड साउंड हो गया कि जो बेसिक की मैच और फाइनल कैसे जीतना है उस पर से शायद ध्यान हट गया। अमृत किशोर, यही हम स्टार्टिंग से बात कर रहे थे, संदीप पाटिल भी कह रहे थे और हम लोग भी बात किशोर यही कर रहे थे कि शुरुआत से सब कुछ अच्छा हो रहा है, जब अच्छा होता रहता है तो फिर कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप कवर अप करते रहते हो, चलो ठीक है देख लेंगे, अभी तो ये बढ़िया हुआ ना। जब भी हम रोहित से सवाल करते थे कि रोहित आप टॉस को लेकर क्या बोलेंगे, नहीं अभी हम बढ़िया खेल रहे हैं, टॉस कोई ज़्यादा हमारा नहीं है, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो फिर आप जब उस माइंड फ्रेज में हो कि मेरे लिए टॉस इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो फिर आप प्लानिंग नहीं करते हो। अब कप्तान कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने पिच को देखा, दो दिन उन्होंने रीड किया, फिर उन्होंने बनाया कि अगर मैं टॉस जीतूंगा तो इंडिया को बैटिंग दूंगा। टॉस हुआ, रोहित शर्मा कहते कि हाँ मुझे बैटिंग चाहिए थी, भाई आपको बैटिंग चाहिए थी, आपको बैटिंग मिल गई। उसके बाद कुछ शॉट्स गलत खेले भारतीय खिलाड़ी जो नहीं खेलना चाहिए था, खासतौर पर कप्तान रोहित शर्मा भी बहुत अच्छा पूरे टूर्नामेंट में खेला उन्होंने, लेकिन आज एक गलत शॉट वो खेल गया जिसका खामियाजा भुगता। फील्डिंग कंगारू ने बहुत अच्छी की, हमसे बेटर फील्डिंग की, वो रहा किशोर। और देखिए किशोर, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, अभी चलिए टीम के साथ सबको खड़े हैं, पिच की बात सामने आएगी, आपके तेज गेंदबाज है, आपके अच्छे बल्लेबाज है, वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज आपके साथ है, वो किसी पिच पे भी रन बना सकते हैं, तो फिर हम क्यों बार बार पिच को लेकर कंट्रोवर्सी में आते हैं, स्लो पिच पे हम क्यों चले जाते हैं, और वैसी ट्रैप में हम खुद चले गए किशोर। ये बार बार अमृत की बात करें, ये ट्रैप, ये स्लो पिच होना, क्यों स्लो पिच हो, क्यों स्लो पिच ही हमें लगता है कि हमें मददगार होगी, जबकि जब क्रंच टाइम आया तो मददगार हमारे लिए नहीं हो पाई। नहीं, पिच का इधर कुछ बात बनती नहीं है, क्योंकि पिच जो थी दोनों टीम के लिए सेम पिच थी। टॉस भी हमने देखा कि रोहित शर्मा चाहते थे कि बल्लेबाजी करे, पैट कमिंस ने पहले ही तय किया था कि वो गेंदबाजी करेंगे, तो सारी चीज़ें जो थी वो भारत के पक्ष में थी, लेकिन वो चीज़ें पक्ष में होने के बावजूद जो प्रदर्शन होना ज़रूरी था, जो जिम्मेदारी लेनी ज़रूरी थी, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बेसिक्स होते हैं वो बेसिक्स करने में भारतीय टीम आज के इस मैच में चूक गई, चाहे आप बॉलिंग की बात करो, चाहे बल्लेबाजी की बात करो, या चाहे फील्डिंग की बात करो, या फील्डिंग